हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा और स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल में। बच्चों, एनटीए ने डेट रिलीज कर दिया है रिजल्ट डेट का भाई, एंड सीयूईटी का रिजल्ट डेट कब है। ठीक है, वीडियो पूरा देखो, पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा इस वीडियो में। ठीक है कि 1 जुलाई को आने वाला था, ठीक है, फिर 30 जून को भी आने वाला था, 10 जुलाई को भी नहीं आया, तो अब कब आएगा। ठीक है, और एनटीए का नया अपडेट क्या है ऑन सीयूईटी रिजल्ट। ठीक है बच्चे, बच्चे को बस दिमाग में प्रेशर, डिप्रेशन और भाई टेंशन में लोग। भाई देखो यार, अगर कोई बच्चा वेट कर रहा है, किसने एग्जाम दिया है उसको टेंशन है कि सर मेरा एडमिशन कब होगा, कि कौन से कॉलेज में मिलेगा, एटलीस्ट उसको रिजल्ट तो मिले कि सीयूईटी का रिजल्ट आएगा कब। ठीक है बच्चे, तो बच्चा रिजल्ट का वेट करते ही करते थक गया है, उसको पता ही नहीं रिजल्ट कब आएगा। तो आइए बच्चे, सबसे पहले बात करते हैं कि रिजल्ट कब आ सकता है। ठीक है, देखो बच्चे, एनटीए ने सबसे पहले बोला क्या, एनटीए कहती है, सबसे पहले एनटीए बोलती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बोलती है कि नहीं, 30 जून को रिजल्ट हम दे देंगे आपका, 30 जून को रिजल्ट दे देंगे। फिर भाई एनटीए बोलती है नहीं, 30 जून को नहीं देंगे, अब 1 जुलाई को रिजल्ट आएगा। ठीक है, फिर एनटीए बोलती है भाई कि नहीं, हम तो देंगे 1 जुलाई को, 1 जुलाई को रिजल्ट देंगे। फिर बोलते नहीं 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 नहीं, गलती हो गया, 1 जुलाई को नहीं, अब 10 जुलाई को रिजल्ट आएगा। भाई 10 जुलाई तो ठीक है भाई, 10 जुलाई आया भी गया भी, और हम तो भाई बैठे बैठे थक गए, लेकिन रिजल्ट आया नहीं। हम बैठे बैठे थक भी गए, पक भी गए, लेकिन रिजल्ट आया नहीं। तो बच्चे अब अपडेट क्या है, तो बच्चे अब एनटीए बोल रही है, एनटीए बोल रही है कि इस वीक के सेम वीक, जो अभी वीक चल रहा है, इस वीक के लास्ट तक रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, रिजल्ट आएगा। ठीक है, ये भी कंफर्म न्यूज नहीं है बच्चा, ये भी कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन ये कह रहे हैं एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कि सेम वीक के, मतलब इस वीक के आखिर तक आ जाएगा, मतलब संडे शनिवार। आइए आगे बात करते हैं। ठीक है बच्चे, तो देखते हैं। तो बच्चे देखो, मीम पेज भाई मीम बना रहे हैं, इस चीज को अवसर बना लिया है। हे बच्चा, बच्चा ट्वीट करता है कि पहले उन्होंने कहा रिजल्ट 1 जुलाई को आएगा, फिर बोलते हैं नहीं, 10 जुलाई को आएगा, फिर अभी कोई अपडेट है नहीं। अपडेट यही है कि भाई वीक के लास्ट में आएगा। फिर ये कह रहा है बच्चा कि आंसर की भी गलत था, देर आर 4 ऑप्शन बट नो 22, नंबर 22 सेज ऑप्शन 5 इज करेक्ट। मतलब भाई चार ही ऑप्शन होते हैं, बट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि क्वेश्चन नंबर पांचवा, मतलब ऑप्शन नंबर पांचवा करेक्ट है, तो मतलब आंसर की गलत है। ठीक है, आप देखो मीम पेज वाले क्या बनाते हैं, मीम पेज का देखो आप, कि बच्चा ये है वेंटिलेटर पर लेटा हुआ। ठीक है, यमराज इससे पूछते हैं कोई आखिरी इच्छा है आपकी तो बताओ, तो ये कहता है सीयूईटी 2024 का रिजल्ट देखना चाहता हूँ। मतलब इसकी आखिरी इच्छा है कि सीयूईटी का रिजल्ट देखना चाहता है। ठीक है, तो यमराज हमारे, मतलब अक्षय कुमार बोलते हैं, चालाक प्राणी अमर होना चाहता है, मतलब अमर होना चाह रहा है ये। तो ये भाई लोग मीम बना रहे हैं आपकी। ठीक है, तो चलो ठीक है, एक अच्छा है नॉर्मलाइज करने के लिए, लेकिन बच्चे एक टेंशन वाली बात तो है ही, बच्चा भाई वेट कर रहा है कि रिजल्ट कब आएगा, एडमिशन कब होगा। ठीक है बच्चे, तो बच्चे अब मैं आपको, आई होप आपको मैं समझा पाया हूँगा, बता पाया हूँगा। ठीक है बच्चे, आपको मैं बता पाया हूँगा। बच्चे देखो, अगर 10-30 जून को नहीं आया हमने वेट किया, 1 जुलाई को नहीं आया हमने वेट किया, 10 जून को हमने पूरा दिन वेट किया, इवन मैं भी बैठा हुआ था अपने सिस्टम पे कि रिजल्ट कब आएगा, हम बार बार रिफ्रेश कर रहे हैं, लेकिन कोई अपडेट नहीं आया। तो बच्चे अपडेट यही है बच्चे कि इस वीक के जो सेम वीक चल रहा है बच्चे, इसके लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा। तो बच्चे हमारा काम क्या है, हम तो वेट करते आए हैं 30 जून से अब तक, तो हम वेट ही करेंगे। एंड बच्चे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, बेल आइकन भी दबा दोगे, जिससे कि जैसे ही रिजल्ट आता है, बच्चे मिलकर लाइव आएंगे, एक एक करके बच्चे का रिजल्ट चेक करेंगे, जिसको जो कॉलेज मिलेगा सामने बताएंगे, और प्रेडिक्शन क्या उस टाइम तो हमारा राउंड वाइज राउंड जो हमारा कट ऑफ आएगा आपको बताएंगे कि आपको नॉर्थ कैंपस मिल रहा है डीयू का, साउथ कैंपस मिल रहा है डीयू का, की ऑफ कैंपस मिल रहा है डीयू का। ठीक है बच्चे, अगर कोई डाउट है बच्चे यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड, तो बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, या फिर कोई बच्चा है जो अपने 12th में मार्क्स इंक्रीज करना चाहता है कि उसके मार्क्स कम आए हैं, तो बच्चे NOS में एडमिशन लेना है, तब भी बच्चे नंबर नीचे गिवन है, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। ठीक है बच्चे, वीडियो में इतना ही था, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद बच्चे।